लास्ट क्लास में व्हाट टू प्रोड्यूस का मैंने आपको चॉइसेस बताई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस की मैंने क्या बताई थी आपको, लिस्ट ऑफ चॉइसेस। चॉइसेस का क्या बताया था मैंने आपको, क्लासिफिकेशन बताया था। उसको एक ग्राफ में पुट करते हैं पहले। ग्राफ एजम्पशन बेसिस पे, कोई डेटाबेस पे नहीं रहेगा, हम सिर्फ उसको एजम्पशन बेसिस पे बनाएंगे। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पे मैंने आपको बहुत सारे चॉइसेस दे रहे, यहाँ कंजम्पशंस के दिए थे या फिर कैपिटल के दिए थे, एक प्राइवेट का दिया था तो एक पब्लिक का दिया था, एक सिविल का दिया था तो एक वॉर का दिया था, एक मास गुड्स दिया था तो एक लग्जरी गुड्स दिया था, ऐसा मैंने चॉइसेस दिया था। तो उसको ना एक ग्राफ में से सिंपल पुट करके देखो, सिंपल इमेजिनेबल है, कोई डेटा नहीं डालेंगे उसमें, अपन एक सिंपल एक इमेजिनेबल लाइन के थ्रू बनाएंगे अपन। जो चॉइसेस का बताया था देखो, ये वाला है, ये जो नीचे वाला लाइन है एक्स गुड्स, कोई भी गुड्स समझो, अगर ये पब्लिक है तो ऊपर वाला प्राइवेट, ये मान के चलना। अगर ये वाला कंजम्पशन गुड्स है तो ये वाला कैपिटल गुड्स होगा, अगर यहाँ पे मास गुड्स ये है तो लग्जरी गुड्स ये होगा। अब यहाँ पे देखो, जो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, इस पोर्शन को क्या बोल बताई थी मैंने आपको, पीपीसी कर्व में अंडर यूटिलाइजेशन, और ऊपर वाले कर्व को जो एरिया था उसको क्या बताई थी मैं, ओवर यूटिलाइजेशन। तो यहां पर देखो, इसको नाम दे दो एन, जहां रेड रेड स्पॉट आ रहा है वहां पे एन दे दो उसको। अगर इसको मैं एज्यूम करती हूँ एन, समझना ये एन हो गया, ये हो गया बी, इसको बी दे दो। यहाँ पे ए कर दो, जो ये कर्व बन रहा है ना नीचे की तरफ, जो ये कर्व बना ये ए, ये पॉइंट्स को नेमिंग करनी है बस, सिंपल इसको दे दो सी, यहाँ पे दे दो इसको डी। ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे बेटा अपने, ये अपने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। देखो कहाँ ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ कम यूटिलाइज होगा ये बता रही हूँ। ये हो गया आपका डी, तो ए बी सी डी, एक यहीं पे कहीं बना लो, ये बना लो आपका ई, और नीचे ई वाले को बना दो यहाँ पे एफ। अगर एग्जाम में नहीं समझ में आए कि कौन सा कैपिटल गुड्स लें कि पब्लिक गुड्स लें कि प्राइवेट गुड्स लें, तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, इसको बना देना एक्स गुड्स, और जो वाई वाला यहाँ पे इसको बना देना वाई गुड्स, है ना, तो इसको बना देना आप वाई गुड्स, ये हो जाएगा आपका वाई गुड्स इस तरफ। तो अगर आपको नहीं समझ में आए कि आपको चॉइस क्या लेनी है, तो आप उसको ऐसे कर देना। ये हो गया वाई गुड्स, कोई डाउट है, ये हो गया एक्स गुड्स, ये हो गया वाई गुड्स। अब यहां पर देखो, अब देखो सोसाइटी के पास या कंपनी या फर्म के पास ऑप्शन है कि वो एक्स गुड्स बनाए कि वो वाई गुड्स का प्रोड्यूस करे। देखो अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनेगा टी, ये वाला, ये इसका मेन कॉम्बिनेशन बन रहा है चॉइसेस पे लेके, यहाँ पे आ गया टी वाला ऑप्शन। जो देखो कंपनी को जो वो चूज नहीं करेगी कौन सा टी, क्योंकि देखो टी का ऑप्शन पे क्या है, बन सब रहा है, बी भी है सी भी है डी भी बन रहा है ना, लेकिन टी नहीं चूज करेगी क्योंकि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बना ये इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे देखो इसने कुछ यहाँ पे डेटा डली होगी, यहाँ पे कुछ डेटा डली होगी, उन ऑप्शंस के बेस पे ना ये कर्व ऐसे बना होगा। देखो ये इमेजिनेबल डेटा पे बना है सिर्फ समझने के लिए। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बना टी, जहाँ पे बी का भी फुल यूटिलाइजेशन है सी का भी डी का भी,
वो पॉइंट है टी, पर ये कंपनी नहीं चूज करेगी क्योंकि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये वाला कर्व है, तो इस लाइन पे आके जो पॉइंट्स बने हैं और जो बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है वो लेना है। कर्व के अंदर वाला जो पॉइंट होता है पीपीसी कर्व में वो हमको नहीं लेना है। दूसरा चीज ए एफ, देखो ए एफ ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ए से स्टार्ट हुई एफ पे खत्म हुई है ना, और ये क्या बता रहा है, इनएफिशिएंसी बता रहा है, किसके फॉर्म में, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज तो है बट ये अज्यूम करना कि अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा के, इसके बाहर वाला कॉम्बिनेशन बनेगा के, ये वाला सी और डी के बीच के कॉम्बिनेशन को बोलूंगी मैं के कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना आप लोग ऐसे, इसको बोलूंगी मैं के कॉम्बिनेशन। और जो ये डी और ई के बीच का कॉम्बिनेशन आएगा, डी और ई के बीच का ये जो मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूं ये है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो एग्जाम में ये वाला ग्राफ बनाना ऐसे ही इमेजिनेबल पे ही बनाना क्योंकि उसके लिए पूरी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप लोग घर घर जाके। दूसरी चीज ये वाला इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि ये वाला जो पॉइंट बन रहा है कहीं ना कहीं ये टी से मर्ज होके बन रहा है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए के कॉम्बिनेशन नहीं चूज करेगा, डी और ई वाला ही कॉम्बिनेशन करेगा क्योंकि यहाँ पे तो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे ओवर यूटिलाइज हो जाएगा, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बचा इसके पास, डी और ई वाला अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये ग्राफ बनाओ जल्दी से, ये एक्स गुड्स है ये वाई गुड्स है, कोई डाउट है डायग्राम में तो पूछ लो पहले जल्दी से। मैम अटेनेबल का मतलब क्या होता है? अटेन करना, बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। देखो इसमें एक चीज ये भी पता चल रही है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे कौन सा वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगी, अगर ई ये वाला जो कॉम्बिनेशन चूज करेगी सिर्फ ई वाला है ना, तो क्या होगा वो जो सोसाइटी है कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है, सिर्फ एक्स, और वो यहाँ पे बी अगर चूज करती है सिर्फ ये वाला बी, तो वो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है, वाई वाला। आया समझ में, ये नीचे वाला जो सबसे ज्यादा, देखो एफ नहीं चूज कर सकती वो क्योंकि एफ में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा उसका, सबसे हाईएस्ट तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स का, लेकिन उस पॉइंट पे आके ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो एक बताया था ना ग्राफ आप लोगों को, ये समझो, देखो इस टाइप से एक बनाया था, रुको देखो, ये एक कॉम्बिनेशन ऐसे बना, फिर एक कॉम्बिनेशन ये इधर आया होगा ऐसे, बताया था ना एक क्लास में मैंने आपको, देखो पॉसिबिलिटी कर्व एक ये आता है ऐसा सपोज, और एक चीज ये नीचे ऐसे आई, फिर ये इधर आया ये है ना, तो ये इधर कैसे आया होगा, ये इधर गया एक, ये इधर गया है ना, फिर ये इधर आया, याद है इस टाइप का एक करवाया था मैंने आप लोगों को ग्राफ, तो उसमें क्या होता है अगर हम ये चूज कर रहे हैं तो इसके कम है ये वाला पोर्शन, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, याद आया, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करवाई थी मैंने आप लोगों को। यस मैम। तो देखो वही कॉम्बिनेशंस बनाना है ना बेटा हर बार, देखो ये तो इसलिए नहीं बना रही थी अभी कि हॉचपॉच हो जाता पूरा यहाँ पे, देखो ये तो हो ही गया पूरा, देखो सपोज अगर मैं इसको जीरो, ये तो देखो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है जीरो, यहाँ पे वन होगा कुछ ना, यहाँ पे टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया आपका फोर, ये हो गया फाइव, और ये हो गया सिक्स, सेम यहीं पे बनेगा।
ये अगर वन हुआ, यहाँ पे आ गया टू, यहाँ आ गया थ्री, ये हो गया फोर, ये आ गया फाइव और ये आ गया सिक्स। तो देखो इस पे अगर ये पूरा छह गुट बनाती है इसका एक्स का, तो वाई क्या हो जाएगा पूरा जीरो। इसलिए ये देखो एफ कॉम्बिनेशन नहीं लेगी, क्योंकि वाई क्या हो जाएगा जीरो। और अगर ये फाइव चूज करेगी ई पे, तो अगर अगर वो एक्स का ई चूज करते हैं तो वाई कितना होगा, सिर्फ दो पे बनेगा। इट मीन्स अगर वो ई पॉइंट चूज करेगी तो क्या होगा कि वो सबसे ज्यादा गुड्स कौन से बनाना चाहती है, एक्स के, और सबसे कम किसके बनाना चाहती है, वाई के। सेम ऊपर देखो, यहाँ पे अगर ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, ये वाला सपोज, ये वाला जो के कॉम्बिनेशन मैंने अनअटेनेबल बताया है, यहाँ पे देखो ये वाला कॉम्बिनेशन के वाला, इसको समझना बस थोड़ा ध्यान से। ये के कॉम्बिनेशन को मैंने बोला है कि ये अनअटेनेबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, अनअटेनेबल। तो कुछ तो रीजन होगा, क्या रीजन है देखो, ये यहाँ पे देखना, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, ये वाला है ना, ये तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये चार बना रहा है, ये दो बना रहा है। तो अगर ये चार बना और ये दो बना, तो फिर ये वाला भी तो एक, ये देखो ये एरोज बन रहे थे यहाँ पे, तो उस समय ये दो आ रहा है इसका, ये छह का भी आ रहा था। देखो ये वाला जो पॉइंट बना था, इस पॉइंट पे ये छह वाला भी टच किया, पांच वाला भी टच किया, ये चार वाला भी टच कर रहा था। तो क्या पॉसिबल है कि तुम एक्स के वाई के इतने सारे कॉम्बिनेशन ले लो और एक्स का एक ही बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये सिचुएशन खराब थी बहुत, कि ये जो सिंगल पॉइंट पे टच करती है ना चीजें, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये वाला जो डी वाला पॉइंट था, ये क्यों नहीं चूज किया, देखो उसके पीछे का रीजन। ये देखो ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, तो देखो डी वाले पे कौन कौन सा रेशियो बन रहा है, ये वाला देखो एक्स का सेकंड पॉइंट भी आ रहा है और उस पे वाई का चार गुड्स बन रहा है, प्लस वाई के पांच गुड्स भी बन रहे हैं और वाई के छह गुड्स भी बन रहे हैं, मतलब एक पे तीन रेशियो कट रहा है और ये कितना बन रहा है, दो। तो क्या पॉसिबल है कि वाई के तीन भी बनेंगे तो भी एक्स का दो ही बनेगा, वाई के पांच बनेंगे तो भी एक्स का दो, और अगर वाई के छह गुड्स बनेंगे तो भी ये दो ही आएगा? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, अनअटेनेबल वाला, और ये वाला बन गया अटेनेबल। आया समझ में मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, थोड़ा सा लेंथी है प्रोसीजर्स, बट थोड़ा ध्यान से समझना एकदम। साथ साथ बनाते चलना सब इसको कॉपी में, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना ऑप्शन नहीं है अभी, साथ साथ बनाते चलो। देखो अब पॉइंट्स बना रही हूँ मैं इस पर, अब देखो अगर जो सिक्स वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला पॉइंट है, सब साथ में बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये ए बना, ये बी, ये सी, ये पॉइंट बना डी, ये पॉइंट बना ई, और ये वाला पॉइंट बनेगा आपका एफ। यहाँ तक कोई डाउट है? ये जो ग्राफ बनाया, अब ग्राफ पे देखो समझो,
देखो जो ऊपर ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट ऊपर लिया है, किस पे लिया है देखो, ये समझो छह से भी ऊपर कोई डेटा है, ए पॉइंट में छह से भी ऊपर कोई डेटा है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लिया मैंने ए का, तो मतलब समझो वहां सात रहा होगा ऊपर, ये ए, यहाँ पे क्या रहा होगा सेवन रहा होगा, तो यहाँ पे उस पॉइंट पे वाई कितना है, ये यहाँ पे ये ले रही हूं मैं वाई गुड्स का, और यहां पे मैं ले रही हूं एक्स गुड्स का, तो नीचे जो एक्स है वो कितना रहा यहां वाले पे, जीरो, उससे मैं ये आ गया जीरो। अब देखो बी वाले पॉइंट पे, देखो बी वाले पॉइंट पे वाई कितना है अपने पास, सिक्स, और एक्स का नीचे देखो क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन पे, दो। फिर सी वाले पॉइंट पे आओ तो एक्स कितना आ रहा है, सॉरी वाई कितना आया अपना, फाइव, और एक्स आ रहा है देखो अपना कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आओ, डी वाले पे आओ, वाई कितना है उस पे, फोर, लेकिन एक्स कितना है देखो, एक्स भी कितना आया, फोर। नेक्स्ट ई वाले कॉम्बिनेशन पे आओ, वाई कितना हो गया, टू हो गया। सडनली ग्राफ देखो नीचे गिर गया, और एक्स कितना हो गया, ये फाइव। फिर एंटर किया मैंने, देखो एफ वाले ग्राफ पे आई मैं, तो वाई कितना हो गया, जीरो, और एक्स कितना आ गया मेरा, सिक्स। ये समझ में आया ये डेटा कहाँ आई, जब ए कॉम्बिनेशन क्या बना, सुनाई आ रहा है सबको, मेरा वॉइस आ रहा है? यस मैम, यस मैम। अब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, देखो अब ये देखो जो सेवन डाला और जीरो, ये अगर मैं y का सेवन प्रोड्यूस कर रही हूं तो x बिल्कुल जीरो हो जा रहा है, तो रिजेक्टेड a पॉइंट। फिर b पे आओ, x में b में y पे कितना आ रहा है, छह, और x कितना आ रहा है, सबसे कम, तो एक तो ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, कम यूटिलाइज, इसलिए b भी हट गया, रिजेक्टेड। c पे आओ, c वाला कॉम्बिनेशन देखो, ये पांच आ रहा है और ये कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखो डी पे आओ, ये वाला डी वाला रेशियो देखो, अब इस पॉइंट पे एक जगह पे बताया गया है, यहां पे देखो ये जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, ये देखो ये वाला यूटिलाइज हो रहा है क्या, थर्ड वाला पॉइंट यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, जब ये पॉइंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट को बनाया था यहां पे, ये जो थर्ड वाला पॉइंट यूज ही नहीं हुआ, तो वहां पे ये बन गया, यहां से बना, और इसका इफेक्ट गया इकोनॉमी में, इफेक्ट गया क्या, कहां गया इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट इकोनॉमी में गया यहां पे, एक तो सी की तरफ गया इसका इफेक्ट, और एक इसका इफेक्ट गया इकोनॉमी में ये डी की तरफ यहां पे। ये और ये वाला पोर्शन तो पूरा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा था, इसलिए इस पोर्शन को बोला था मैंने अंडर यूटिलाइजेशन, इस पोर्शन को इसलिए बोला था अंडर यूटिलाइजेशन। अच्छा अभी एक पैंडमिक का एग्जांपल ले लो, जब इकोनॉमी में लॉकडाउन लगा तो उसका इफेक्ट सिर्फ लॉकडाउन लगने तक की था कि बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी, बंद हुई थी, क्यों बंद हुई थी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। रेलवे बंद हो गया तो लोग जो फंसे थे दूसरे स्टेट्स में वो अपने स्टेट में वापस नहीं आ पाए, जितने एग्जाम्स होने थे सब कैंसिल हो गए, तो जब एक चीज अंडर यूटिलाइजेशन पे होती है तो उसका दूसरे जगहों पे असर दिखता है। ये इसलिए जो आपने बोला था कि डी वाला क्यों नहीं चूज किया, नहीं कर सकता क्योंकि उसका इफेक्ट था ये,
तो इसलिए उसने क्या चूज किया, डी और ई के बीच का चूज किया, अटेनेबल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे देखो डी और ई के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 4 to 2 का है और ये 4 to 5, मतलब एक्स और वाई को कंपेयर करो तो यहाँ पे 2 का सब्सटीट्यूशन है और यहाँ पे 1 का सब्सटीट्यूशन, तो 1:2, लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन में सब्सटीट्यूशन ज्यादा रहा था. ये जो 5:4 और 3:4 वाला भी वही रेशियो है सी और डी वाला, पर वो इसलिए नहीं लिया सी और डी वाला क्योंकि इसका असर यहां तक गया था और इसके बाद असर नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी उतना ही प्रोडक्शन है.